सहारनपुर में काशी राम कॉलोनी में रह रहे लोगों की जांच के लिए रविवार को नोडल अधिकारी नगर पंचायत विरज कुमार त्रिपाठी अपनी टीम के साथ पहुंच गए। टीम को देख कॉलोनी के रहने वाले लोग हैरान हो गए। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार शिकायत मिल रही थी कि काशी राम कॉलोनी के मकान जिन पात्रों को सरकार द्वारा आवंटित किए गए थे उसमें उनके स्थान पर अपात्र मकानों में रह रहे हैं। सूचना यहाँ तक की थी कि किसी ने अपने आवंटित मकान को किराए पर दे दिया है और स्वयं कहीं और रह रहा है। जांच के लिए नोडल अधिकारी के साथ महिला और पुरुष पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। नोडल अधिकारी ने बताया कि रविवार को उनके द्वारा काशीराम कॉलोनी में जांच शुरू की गई है। 150 मकानों की जांच होनी है लेकिन अभी जांच पूरी नहीं हुई है। जांच पूरी कर रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजी जाएगी और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में सार्थक शर्मा एसडीए के और सहायक अभियंता है उनके अध्यक्षता में 6 टीमें बनाई गई थी और एक एक टीम के प्रभारी नगर पालिका नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी रहे। उन टीमों में एक राजस्व लेखपाल नगर पालिका के बाबू और पुलिस के 2 कर्मी रहे और लगभग 125 मकानों की जांच की गई थी और मकानों में जांच करने के लिए विशेष रूप से निर्देश दिया गया था कि जिनको इलाज है या जो आवंटी है उनके अलावा कहीं दूसरे लोग तो नहीं रह रहे या किराए पर उन्होंने दे रखा था, इसी बात की जांच की गई। उसमें से संख्या आए गए और बहुत की संख्या में जो है वहाँ पर उपस्थित नहीं पाए गए। तो सर आगे कार्रवाई क्या रहेगी इसके संबंध में? जांच टीम जो है अपनी जांच आख्या जिलाधिकारी महोदय को शीघ्र प्रेषित करेगी। अग्रिम कार्यवाही के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में कार्यवाही की जाएगी।